वेलकम बैक गाइस टू माइनक्राफ्ट। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग अपना आयरन का टूल्स बनाने वाले हैं और एक सीप फार्म बिल्ड करने वाले हैं। तो गाइस एंजॉय द वीडियो। तो गाइस मैंने सीड को भी प्लेस कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा घर। और गाइस मैं उस लैंड को थोड़ी सी क्लियर कर दिया हूँ और यहाँ पे कुछ रह रही है तो मैं इसको भी रिफ़िल कर लेता हूँ पहले तो, और इसको मैं रिफ़िल कर दिया और ये ब्लॉक को मैं तोड़ लेता हूँ। तो गाइस अभी माइनक्राफ्ट में नाइट होने वाली है तो मैं जाके पहले एक बार सो लेता हूँ घर के अंदर ताकि मैं सुबह में आयरन माइनिंग करने के लिए जा सकूँ। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं कि रात हो जाए जल्दी से। और यहाँ पे मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ सोने का। यहाँ बता रहा है कि मैं यहाँ नहीं सो सकता, यहाँ पे मॉन्स्टर्स आ गए हैं। यहाँ पे बता रहा है कि मैं नहीं सो सकता, मॉन्स्टर आ गए तो मुझे बाहर जाकर सोना पड़ेगा एक बार। तो गाइस मैं बाहर आ गया हूँ और मैं अभी जाकर सो लेता हूँ ताकि जल्दी सुबह हो जाए और मैं जा सकूँ आयरन माइन करने के लिए। और मैं यहाँ पर सो गया हूँ और ये सुबह हो गई है और मैं इस बेड को तोड़ के वापस से घर के अंदर प्लेस कर देता हूँ एंड ताकि मेरा बेड कहीं खो न जाए मरने के बाद। और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, उसके बाद अपना रिस्पॉन पॉइंट यहीं पे सेट कर लेते हैं हम। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं आयरन माइन करने के लिए और यहाँ पे पीगी घूम रहा है। इसके बाद ये देखते गाइस हमारा यह ग्रो हो गया है, क्या बोलते हैं इसे, व्हीट, यानी कि माइनक्राफ्ट का गेहूं ग्रो हो गया है। और इसको थोड़ी सी कट करके इसको रिप्लांट कर देंगे ताकि हमारा फार्म थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो सके। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के कमेंट में वाव ज़रूर लिख देना ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, उसको भी लिख देना कमेंट में। और ये मैंने लिख दिया। अगर गाइस यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना गाइस। तो मैं इसके अंदर इसके कुछ ब्रेड क्राफ्ट कर लेता हूँ गाइस। ये देखिए माइनक्राफ्ट का मेरे वर्ल्ड में पहला ब्रेड। और मैं जाता हूँ अभी माइनिंग पे और माइनिंग मैं अपने घर के आसपास माइनिंग करना नहीं चाहता क्योंकि इधर जो है कि और ये क्या है कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैं कुछ वुड ले लेता हूँ ताकि वहाँ पे काम आ सके। और मैं यहाँ से ले लेता हूँ वुड को एंड वुड को मैं कट कर लेता हूँ ताकि मेरे वहाँ पे जो अगर केव्स में काम आ जाए तो क्राफ्टिंग टेबल या ये सब चीज़ें बनाने के लिए। मैं इसे कट कर लिया हूँ और यहाँ से जाकर मैं सीधा डिग डाउन करने वाला हूँ नीचे, मुझे कोई डर नहीं है। मैं देखते हैं गाइस हम लावा में गिरते हैं क्या गिरते हैं, अपना लक कितना ख़राब है कितना अच्छा है। मैं अपने घर के आसपास करना नहीं चाहता। मैं जाने वाला हूँ अभी यहाँ से डायरेक्ट नीचे के लिए। और इसके नीचे ग्रास कोई ग्लिच व्लिच है क्या मैं पता नहीं। और मैं मिलता हूँ आपको सीधा नीचे में ही। 1 2 3 बूम। तो गाइस मैं अभी नीचे पहुंच चुका हूं और यहां से संभल संभल के मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। मुझे आयरन दिख रहा है और यहां पे जॉम्बी आ चुका है मुझे मारने के लिए। मैं इसको मार देता हूं पहले तो। और ये मर क्यों नहीं रहा है, मर जा ये मर नहीं रहा। मुझे लगता है एक ब्लॉक और नीचे जाना पड़ेगा और अभी ये जॉम्बी मर जाना चाहिए। तो हाँ ये जॉम्बी मर चुका है। और यहाँ से मैं पहले रास्ता को बंद कर देता हूँ ताकि जॉम्बीज स्केलेटन क्रीपर अंदर ना आ सके और मुझे मार ना सके कोई भी। और मैं यहाँ से अंडरग्राउंड होके जाने वाला हूँ। अभी तो मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा
तो मैं अभी अंडरग्राउंड होकर के जाने वाला हूँ आयरन माइन करने के लिए। तो और मैं भी यहाँ से इसको भी बंद कर लेता हूँ, एंड ऊपर से भी रास्ता है, कोई आ सकता है ऊपर से भी, और मैं इसको ही बंद कर देता हूँ। तो अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट में ओपी आदित्य आर्मी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग अंडरग्राउंड होके जा रहे हैं। तो अगर इस चैनल पे होते हैं 100 सब्सक्राइबर तो मैं एक Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपके द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे इसको माइन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे आयरन आने ही वाला होगा अभी तो। और यहाँ पे आयरन आ जा, और यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा यार साफ साफ। तो मैं यहाँ पे कुछ टॉर्चेस क्राफ्ट कर लेता हूँ पहले तो, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये रहा आयरन। तो मुझे इसको माइन करना है, अब मैं इसको माइन कर लेता हूँ। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ सारे आयरन को माइन करने के बाद। तो गाइस मैंने सारा आयरन को माइन कर लिया है, और यहाँ पे मैं कुछ टॉर्चेस को प्लेस कर देता हूँ ताकि ज़ॉम्बीज ऊपर स्पॉन ना हो सके। तो गाइस जहाँ पे भी रोशनी होती है वहाँ पे ज़ॉम्बीज स्पॉन नहीं होते। तो मैं अभी यहाँ पे रोशनी है तो मैं चलता हूँ अभी ऊपर, और एंड यहाँ से भी जाना है मुझे ऊपर। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ सीधे ऊपर में ही, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो मैं अभी मिलता हूँ आपको सीधा ऊपर में ही। तो गाइस मैंने अभी कुछ आयरन को कलेक्ट करके ऊपर आ चुका हूँ, और मुझे भी करना है इस आयरन को स्मेल्ट। तो गाइस अभी रात होने वाली है और मेरा हंगर बार भी कुछ कम हो रहा है, और यहाँ पे आकर के मैं इस गेट को खुल जा भाई खुल गया, और इसको मुझे करना है आयरन को स्मेल्ट। तो स्मेल्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले फर्नेस में जाकर आयरन को रखना पड़ेगा। पहले इस कुछ प्लैंक्स और आयरन को 13 आयरन को स्मेल्ट कर लेते हैं पहले। तो उसके बाद गाइस मैं मिलता हूँ आयरन स्मेल्ट करने के बाद आप। तो गाइस मैं अभी आयरन को स्मेल्ट कर ही रहा था, तो मुझे लगा कि मैं सो जाना चाहिए, रात हो रही है, तो मैं अभी आके सो गया। और मैं सुबह उठकर कुछ बाहर के काम को निपटा लेता हूँ पहले तो, और यहाँ चलते बाहर, कुछ बाहर के काम हैं जो मुझे निपटानी है। पहले तो मुझे इन सारे वीट को कट करना है और फिर से रिप्लांट करना है, और मुझे एक सीप फार्म को बिल्ड करना है। तो मैं इस वीट को तोड़ लेता हूँ पहले तो, जो जो पक चुके हैं मैं इसको पहले तोड़ लेता हूँ। और तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में डेयर भी दे सकते हो, जो मैं आपको ज़रूर पूरा करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसको तोड़ लेता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट टाइम मैं कौन सा गेम खेलूँ ये भी मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बता देना, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मैं नेक्स्ट टाइम कौन सा गेम खेलूँ। तो मैं इसको रिप्लांट कर देता हूँ पहले सीड को, ताकि देखिए गाइस सीड प्लांट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मैं मुझे खाना क्या मिलेगा खाने के लिए। तो मैं रिप्लांट करने के बाद, तो गाइस मैंने अभी सारा सीड को रिप्लांट कर दिया है, और मैं अभी जा करके एक पत्थर की कुल्हाड़ी बना लेता हूँ, और जिससे मुझे तोड़नी है कुछ उड को, और उड से बनाएंगे फेंस गेट, और फेंस से सीप्स को कवर करके सीप फार्म बिल्ड करेंगे। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ वुड कलेक्ट करने के लिए, और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं अपने फॉरेस्ट के पास, और फॉरेस्ट में जाके बहुत सारा वुड को कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके अपना वीट फार्म बना लेंगे। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कुछ नहीं था। तो मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच रहा हूँ, और पानी में तैर करके जाना है मुझे अपने फॉरेस्ट के पास, और कुछ वुड को कलेक्ट करना है। तो गाइस जैसे ही मैं घर आ रहा हूँ, तो मैंने इस आयरन को निकाल लिया, और कुछ टूल्स बनाना है मुझे आयरन की। तो मुझे सबसे पहले बनानी है एक स्टोन की नहीं आयरन की कुल्हाड़ी, और आयरन का फावड़ा मतलब पत्थर तोड़ने वाला चीज़, और ये तलवार, और एक पानी की बाल्टी। और मुझे बनानी है एक पानी की बाल्टी कुछ ऐसे, और ये बन गई मेरी पानी की बाल्टी। तो गाइस अगली वीडियो में हम जाने वाले हैं डायमंड माइन करने के लिए, तो मैं एक सील बना लेता हूँ। तो गाइस अगर इस वीडियो पे आते हैं 34 लाइक्स तो अगली वीडियो तुरंत ही आ जाएगी, और अगली वीडियो में मैं जाने वाला हूँ डायमंड्स माइन करने के लिए, और अगली वीडियो में मैं डायमंड्स का आर्मर बनाने वाला हूँ। तो
गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये देखिए गाइस मैंने बना लिया। और इस बाल्टी के अंदर कुछ पानी को कलेक्ट कर लेंगे। और ये शील्ड को अपने मैंने अपने हाथ में लगा लेता हूँ। और अभी आता हूँ मैं गाइस पानी कलेक्ट करके, मतलब कलेक्ट करके। ओ मुझे पानी कहाँ से मिलेगी, ये रही पानी। और इस चिकन को मार देते हैं जो मरी नहीं मुझसे पहले। तो गाइस मैं अपना घर पहुंच चुका हूं। और यहां पर से मैं इसके अंदर से कुछ स्टिक्स को क्राफ्ट कर लेता हूं। पहले तो प्लैंक्स, प्लैंक्स के बाद स्टिक्स, जिससे मैं बना सकूंगा फैंस। और इसको स्टिक्स को रखेंगे यहां पे। और यहां से मुझे मिल जाएगी शायद 48 फैंस गेट, सॉरी ये क्या है, फैंस ही है शायद ये, तो मुझे वहाँ पिक दिख रहा है। तो गाइस मैं अभी बनाने वाला हूँ सीप फार्म, जिससे मुझे अनलिमिटेड वुल मिलती ही रहेगी। तो मैं उस सीप फार्म को यहाँ पे बिल्ड करना चाहता हूँ। तो पहले इस घास उसको पहले हटा देता हूँ इस जगह से। और इस ओक फैंस को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और इसको मैं लगा देता हूँ पहले। और गाइस मैं यहाँ पर फैंस को प्लेस कर दिया हूँ मैं सारे। और मुझे अभी लानी है कुछ सीप्स को पकड़ के, और जिससे मैं बना सकूँगा अपना सीप फार्म, मतलब बकरियों का फार्म। तो मैं इसको ला लेता हूँ पहले सीप को यहाँ पे। और आ जा भाई। और इसको मैं वहाँ जगह पहले बंद कर दूँगा। और मुझे दो सीप चाहिए। और जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं पहले तो। और यहाँ पे जल्दी से ये आ रही है ना पीछे में, हाँ ये आ रही है। तो मैं आ जल्दी से इसको यहाँ पे पहुँचा देता हूँ। पहुँचा के बंद कर देंगे इसको पहले यहाँ पे। और इधर से मैं निकल जाता हूँ पहले बाहर। और जो जल्दी से इसको प्लेस कर देते हैं। और ये डिस्पोन ना हो जाए इसके लिए, तो मैं सबसे पहले इसको कुछ खाने को दे देता हूँ, ताकि ये भूखे मर ना जाए। मुझे इसके लिए एक और सीप लाना पड़ेगा। तो सीप को ढूंढते हैं और क्या करेंगे। मुझे ये कहाँ स्पॉन कर दिया है, यहाँ पे पानी वाले इलाके में। और यहाँ पे कोई सीप है क्या आसपास, सीप तो दिख नहीं रही है एक भी। सैंड में सीप थोड़ी ना मिलेगी। और वो रही है सीप, सीप दिख चुकी है एक। तो मैं इसको सीप को पकड़ लेता हूँ। वैसे यहाँ पे दो सीप है, तो मैं इन दोनों सीप को लेके पहुँचता हूँ अपने सीप फार्म के पास। तो पहुँचूँगा क्या, मैं पहुँच गया। और मैं यहाँ से इसको तोड़ करके पहले आयरन की अपनी नई वाली पिकैक्स एक्स से। और इसको आ जाओ इधर, खाना मेरे हाथ में है। और ये सीप्स अंदर आ गई, पागल सीप्स फंसने के लिए सिर्फ। और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और इसको खाना खिला देते पहले। और यहाँ पे और मैं जाता हूँ अभी घर अपने। और मैं यहाँ पे कुछ वीट को तोड़ लेता हूँ। तो नहीं अभी वीट अभी ज़्यादा ग्रो ही कहाँ हुए हैं। मैं इसको पहले मार देता हूँ इस सीप्स को, ताकि मुझे खाना मिल जाए। मैं इसको मार दिया। और यहाँ पे भी रात होने वाली है बहुत जल्द, तो यहाँ पे मैं इसको पहले थोड़े से तोड़ देता हूँ, ताकि मेरा जो कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो थोड़ा सा क्लियर लगे, साफ साफ लगे। तो वैसे अभी रात होने वाली है, तो मैं जाके वैसे पहले सो लेता हूँ, ताकि मुझे जॉम्बीज आके मारने ना लग जाए। तो वैसे सोने से पहले क्यों ना मैं सोच रहा हूँ कि अपने सीप्स को खाना खिलाया जाए। तो यहाँ पे मेरे पास कितने वीट है, 15 वीट्स। तो जाके मैं पहले से पहले एक बार अपने सीप को खाना खिला करता हूँ। जल्दी से भाग के जाएंगे, खाना खिला के तुरंत आ जाएंगे। वैसे मैंने भी कुछ नहीं खाया अभी तक, तो मेरा भी हंगर बार ख़त्म होने के तादाद पे है। जल्दी जल्दी खा लो, जिसको भी खाना है तो ये खा ले, जितने भी खा लिया। और यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज आते ही होंगे। तो गाइस मैं अभी जल्दी जाके पहले सो जाता हूँ। अभी मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया सोने से, तो मैं यहाँ पे पहले सो लेता हूँ अपने घर के अंदर जा कर के। और मिलते हैं गाइस सुबह में। और यहाँ पे गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं एक बार और जाके अपने सीप्स को खाना खिला देते हैं। एंड यहाँ पे ये रही मेरी कुछ सीप्स, खाना खा। ये क्या देखो, ज़ॉम्बीज आ गए ना।
यहाँ पे ये सीप खाना तो नहीं खा रही है एंड और कोई नहीं खा रहा खाना तो उसको छोड़ देते हैं। ये भी नहीं खा रही खाना, कोई नहीं खाना खा रहा है। तो मैं इस छोटे से बच्चे को खाना खिला देता हूँ, सीप के बच्चे को, वो ये जल्दी जल्दी से बड़ा हो जाएगा। और एक और छोटा सीप आ गया। इसी तरह से ब्रीडिंग करके अब हमारा सीप फार्म चल बसेगा पूरा, जिसमें लाखों सीप होगी, लाखों वूल मिलेगी रोज़ मुझे। तो मैं पहले इसको ठीक कर देता हूँ, तो ये देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको तोड़ देता हूँ इस जगह से। और मेरे को 17 डट मिल चुका है और मैं अपने कुछ खाना खा लेता हूँ पहले, तो उसके बाद मैं कुछ ट्री अपने आइलैंड में प्लांट कर देता हूँ, ताकि मेरे वर्ल्ड में कभी ट्री की कमी ही ना हो। और मैंने इस ट्री को प्लांट कर दिया है और मेरे पास 4 सैपलिंग्स और है, तो मैं इसको प्लांट कर देता हूँ पहले तो। और यहाँ पे कुछ डर्ट एक्स्ट्रा मुझे दिख रहे हैं, तो मैं इसको ये भी ब्रेक कर देता हूँ पहले तो। यहाँ पे मेरी सवल किधर है, ये इसको मैंने ये ब्रेक कर देता हूँ। और मुझे भूख तो लग रही है, मैं यहाँ पे अपने लिए 3 गेहूँ तोड़ लेता हूँ, ताकि मैं इसका ब्रेड बना के खा सकूँ। मुझे भूख लग रही है बहुत जोर, चूहे कूद रहे हैं पेट में। तो और मैं यहाँ पे तोड़ लेता हूँ और इसको रीप्लांट भी कर ही देते हैं। और यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है और मैंने सुना है कि बारिश में भी ज़ॉम्बीज कभी कभी स्पॉन हो जाते हैं। आई थिंक वो जब बिजली गिर रही होती है ना बारिश में, तभी वो स्पॉन होते। मुझे जल्दी से अपने घर भागना पड़ेगा और घर जाके खाना खाएंगे पहले तो हम। और यहाँ पे ऐसे चलते हैं अंदर, जल्दी से गेट खुल जा भाई, बिल्ली गिर जाएगी अपने शरीर पे। तो लोग ऐसे जल्दी से यहाँ चलते हैं अंदर, और अंदर में आके ऐसे कुछ खा लेते हैं हम ब्रेड को। और गाइस इस सब को रखवा देते हैं पहले अपने इन्वेंटरी में, और इन्वेंटरी में रख करके। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस हमने तो इस वर्ल्ड में अपना जो है कि बेसिक सा आयरन के टूल्स और बकेट को कंप्लीट कर लिया है क्राफ्ट करके। अगली वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं डायमंड माइन करने के लिए। तो इस वीडियो का लाइक गोल है 34 लाइक्स का, जल्दी से करवा देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।